हेलो फ्रेंड। सो आज हम लोग कवर करेंगे बबल शॉट, ठीक है। उसको हिंदी में कवर करेंगे और उसमें मैं जितना हो सकेगा उतनी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ कहाँ पे इसका बबल शॉट का भी फ़ायदा है। कुछ लोग कहते हैं इसको कि वर्स्ट एल्गोरिथम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि वर्स्ट एल्गोरिथम में वर्स्ट लॉजिक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद भी रहती है, जिसे पता लगेगा। और हाँ, कल जो वीडियो था, एक वीडियो नंबर इसमें मैंने बताया था आपको कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का जो पार्ट 2 था, तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें क्या था कि अगर आप देखोगे तो मैंने जो उसमें सी लिखा हुआ है, टी एन इक्वल टू टी ऑफ n/2 + c लिखा हुआ है, जो तो सी उसमें मैंने कंपैरिजन जो हुए हैं कि ए ऑफ मिड से कंपेयर हुआ है इफ़ i=j टाइप का, तो मैंने उसका कंपेरिजन लिया हुआ है वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च में क्या होती है आपकी कंपेरिजन। लेकिन अभी अगर मैं सॉर्टिंग में आ जाता हूँ, जब मुझे सॉर्ट करने होते हैं एरे को, पूरा सॉर्ट करना होता है एरे, मतलब कि जस्ट पूरा जंबल टाइप का होता है कि कहीं पे कोई बड़ा हुआ, कहीं पे कोई छोटा, कहीं पे बड़ा छोटा, तो जस्ट लाइक मिक्सचर होता है पूरे एलिमेंट्स का। तो मैं चाहता हूँ क्या कि उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं उसको सॉर्ट करना चाहूँगा तो सिंपल सा ये रहेगा मेरा लॉजिक कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के बेस पे कि मैंने नंबर ऑफ कंपेरिजन ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं या फिर नंबर ऑफ स्वैप ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं, उसके बेस पे जो भी इन दोनों में ऑर्डर ऑफ में या बिग ओ में जिसका भी पॉलीनोमियल टाइम जो भी आता है, ठीक है, जो ज़्यादा रहेगा मैं उसको ही मान लूंगा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, लॉजिक लॉजिक के बेस पे कंपेरिजन ज़्यादा हुए हैं या सॉर्टिंग ज़्यादा हुई है, कंपेरिजन ज़्यादा हुए हैं या फिर स्वैप ज़्यादा हुए हैं, जो ज़्यादा होता है उसके बेस पर मैं कह देता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, इसके बेस पर मैंने कही है कि आपकी इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ एन इसके, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार बाइनरी सर्च वाला देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं लेट करूंगा मैं इन चीज़ों को, बबल शॉर्ट को भी, जहाँ पे आप बाइनरी सर्च वाले में फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ, जो क्वेश्चन था एक गेट का तो फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ देखना उसको, पता लगेगा, लिंक शेयर कर दूँ। तो मैंने करके रखा है, सबसे पहले बबल शॉर्ट लिखा हुआ है, सिंपल जितना सा प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसमें सिंपल से प्रोग्राम यही है। तो काम कैसे करता है एक बार वो देख लेते हैं। तो होता क्या है कि मैंने मान लो कि इनपुट में क्या है, मेरे एक सॉर्ट एक एरे है जो कि सॉर्ट नहीं है, 77 है, 45, 28, 95, 62, 5, 24। तो ये एक एरे है मेरे पास जो कि सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो एरे जो कि सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें जस्ट लाइक मिक्सचर है, कभी कोई बड़ा कभी कोई छोटा, ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ। मतलब होता क्या है, सबसे पहले पहले क्या है कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, कि आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करते हो, मतलब एक बात है, उसका नाम बबल शॉर्ट क्यों पड़ा, ठीक है। बबल शॉर्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप देखते हो एक बाउल में अगर आप वाटर बॉइल कर रहे हो, तो जब भी जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी एनर्जी इसकी हाई हो जाती है, वो मॉलिक्यूल ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसको समझ लो, यहाँ पे मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहाँ पे क्या एलिमेंट्स हैं याले, तो इसमें सिंपल से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी एलिमेंट की वैल्यू हाई होगी, वहाँ पे एनर्जी हाई थी मॉलिक्यूल की, यहाँ पे क्या वैल्यू जो होगी उसकी हाई होगी, वो कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब सबसे क्या टॉप पे पहुँच जाएगा, मतलब क्या सबसे लास्ट इंडेक्स पे पहुँच जाएगा, सॉरी। ठीक है, लॉजिक क्या कहता है इसका, अगर मैं इसको रीड करूँ तो एक बार ये कहता क्या है, फिर फॉर i=0 से लेकर i<n-1 तक, ठीक है, मतलब क्या टोटल आपके एन टाइम्स ये चलेगा, ठीक है, हर एक उसके लिए i++, फॉर j=0 से लेके j<n-1 तक j++ ये भी चलेगा एन टाइम्स आपका, ये मतलब क्या बिना ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है एल्गोरिथम में, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, 2-3 तरीके हैं, तो कैसे करेंगे बताता हूँ। फिर चेक करते हो आप क्या कि जिस एलिमेंट पे आप चल रहे हो, जो कि जे की वैल्यू है जिसको आप चेक कर रहे हो, क्या उससे कंपेयर कैसे करोगे नेक्स्ट वाले से, अगर वो बड़ा है। सिंपल सी बात है, ये कहना चाहता है कि अगर तुम मुझसे छोटे हो तो ऐसा करो, मुझको अपनी जगह आने दो और तुम मेरे से पहले आ जाओ, मतलब क्या ये चाहता है कि स्वैप करना चाहता है आपस में,
तो यहीं पे हम लोग स्वैप कर देते हैं। और अगर कैसे कुछ नहीं होता कंडीशन, अगर इफ ट्रू नहीं होती है तो हम सिंपली क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जे इक्वल टू फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा। तो ये तो गया एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इसको देखो मत ऐसे कंपेयर टू, पहले एग्जाम्पल समझ लो एग्जाम्पल कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करोगे, तुम चेक करोगे 77 को 45 से। तो बताओ कि यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन, आई लेस देन माइनस माइनस वन, आई प्लस प्लस, तो वो सब क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ पासिस हैं, नंबर ऑफ पास है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पास तुम्हें टोटल कितने होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लेता हूँ मैं ये पहला पास है। देखो हर एक पास का सिंपल सा एक ही मोटिव है कि जितने नंबर ऑफ पास होते जाएँ उसके हिसाब से उतने ही वो तुम्हारा नंबर जो मतलब जो एलिमेंट है बिग बचे हुए एरे के अंदर वो टॉप पे पहुँचते जाए, या फिर टॉप माइनस वन या फिर टॉप माइनस टू पोजिशन पे पहुँचते जाए अकॉर्डिंग टू उनके वैल्यूज़ के। तो पास होने होता क्या है कि सबसे पहले स्टार्टिंग से कंपेयर करोगे। तो ए ऑफ जीरो को मतलब जो लिखा हुआ है ना, ए ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ जे माइनस ग्रेटर देन है ए जे माइनस वन, ए जे प्लस वन, तो क्या करो उसको अपडेट करो। तो 77 45, तो क्या ये वैल्यू से बड़ी है और ये हकदार है उधर तक जाने का। ठीक है, तो 77 45 जब तुम कंपेयर करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, इधर 45 आ जाएगा, इधर 75 आ जाएगा। इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी यहाँ पर तो क्या हुआ, ट्रू हुआ, और उसमें वहाँ पे स्वैप कर दिया मैंने दोनों को आपस में। ठीक है, अब क्या हो गया, जे की वैल्यू कहाँ पहुँच गई होगी, जे प्लस प्लस है ना वहाँ पे दूसरे लूप के अंदर, तो वहाँ पे क्या प्लस वन हो गई, तो जे की वैल्यू वन हो गई इस समय। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, ये चेक करेगा, तो ये दोनों क्या हुआ आपस में स्वैप हुए थे। ओके अभी क्या हुआ 77 28, तो कौन बड़ा है इन दोनों में, इसमें और इसमें 77 बड़ा है, तो 28 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा और 77 यहाँ पहुँच जाएगा, 200 हुआ। जे की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 2 हो गई। ठीक है चलो, ठीक है एक बार देख लेते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये स्वैप दोनों स्वैप किया, फिर इसने चेक किया सेव वाले से और 77 से और 95 से, जब दोनों चेक किया आपस में तो क्या हुआ, चेक किया उसने जो पता लगाया कि भाई कौन हकदार इन दोनों में, तो कह रहा है कि इसने कहा कि भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ तो दोनों स्वैप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कंडीशन अकॉर्डिंग ट्रू हो रही नहीं है हमारी, फॉल्स हो रही है। तो 77 वहीं पर रहेगा, 99 वहीं 95 वहीं पर रहेगा, और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। 95 और 62 जो दोनों कंपेयर करेंगे तो कहेगा 62 से कहेगा 95 कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझको रिप्लेस होने दो, तो 62 यहाँ पर आ जाएगा, 95 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से कहेगा 95 और ये 5 से, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 95 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इससे कहेगा ऐसे करके तो 24 यहाँ पे आ जाएगा और 95 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि जब पास वन मेरा हुआ तो पास वन में कैसे कैसे वैल्यू आई मेरी, पूरा एक पास वन होने के बाद पहली आई 45, दूसरी है 28, तीसरी है 77, चौथी है 62। ठीक है, यहाँ पे क्या आया तुम्हारा 5, यहाँ पे क्या आया 24, और यहाँ पे क्या आया 95। ठीक है, तो खुद ही वो बताओ एन एलिमेंट्स थे, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक चीज़ का, मान लो मेरे को मेरे पास 10 15 और 5 ऐसे एलिमेंट हैं, मुझे क्या करना है कि चलो मान लो इसको 50 है, ये 10 है और ये 5 है, मतलब 50 को मुझे यहाँ पहुँचाना है, 15 को कैसे पहुँचाऊँगा, पहले कंपेयर करूँगा जो कि इसमें किया गया है, 10 यहाँ पे आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा कंपेयर करूँगा तो क्या होगा 5 ये और 15 ये, मतलब क्या 2 कंपेरिजन हुए और 2 स्वैप हुए। ये कब है, वर्स्ट केस है, जब मेरा जो एलिमेंट था वो स्टार्टिंग पोजिशन पे ही था और उसे पहुँचना था लास्ट वाले में, तो ऐसा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने ये जो ले रखा है एरे, तो उसमें आपके जस्ट मिक्सर टाइप का है कि 77 के बाद 95 भी कहीं ना कहीं था, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अगर मैं देखूँ तो कितने कंपेरिजन टोटल हुए होंगे एन एलिमेंट्स के बीच में, एन माइनस वन कंपेरिजन हुए होंगे और एन माइनस वन ही स्वैप हुए होंगे टोटल। अभी मुझको ये पता लग गया कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं ठीक है, वो क्या है, 95 जो है मेरा यहाँ पर आ चुका है, अभी मेरे पास क्या बचा हुआ है, एरे ये बचा हुआ है जो कि मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी पास टू रन करूँगा,
जब मैं पास टू रन करूँगा तो फिर वही स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, जे इक्वल जीरो से लेकर जे दिन माइनस वन तक, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या होगा कि 45 28 कंपेयर करेगा तो 28 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ पे आ जाएगा, 45 77 77 वहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 77 62 62 यहाँ पे आ जाएगा, 77 यहाँ पे आ जाएगा, 77 और 5 तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 77 यहाँ पे आ जाएगा, 77 24 24 यहाँ आ जाएगा और 77 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और देखो, अगर तुम जो सिंपल एल्गोरिथम था उसका, तो उसमें क्या था, एन माइनस वन तक तुम्हारे तो वो हैं, तो क्या होगा कि तुम लास्ट वाला भी चेक कर लोगे 77 95, ये जब है जब वो ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, ठीक है, 77 95। तो इसको भी कंपेयर किया होगा उसने इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 77 95 में क्या हो गया, 77 तुम्हारा वहीं पर जाएगा और कुछ होगा नहीं। तो अगर तुम देखना चाहो तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तुम्हारा टोटल, तुम्हारे अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे जो कंपैरिजन हुए होंगे तो वो भी तुम्हारे एन माइनस वन कंपैरिजन हुए होंगे, वर्स्ट केस में मान लेता हूँ, और एन माइनस वन ही स्वैप होंगे क्योंकि इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब इसको मैं मॉडिफाइड करूँगा तब क्या हो जाएगा, तुम्हारा चेंज हो जाएंगी कुछ चीज़ें, ठीक है, तो उसके बेस पे वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पास्ट टू में तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई, ये 28 आ गया, ये 45 आ गया, ये 62 आ गया, ये 5 आ गया, 24 77 95, ठीक है। वैसे ये दो एलिमेंट आके सॉर्टेड हो चुके हैं, अपनी सही जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जो एल्गोरिथम कहती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट करते क्या हम लोग, पास थ्री लिखते हैं। पास थ्री में क्या होगा, 28 45 कोई दिक्कत नहीं है, इफ एल्स कंडीशन में आया लेकिन कोई पंगा नहीं, 45 62 कोई पंगा नहीं, 62 5 तो 5 यहाँ पर आ गया, 62 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 24 62 24 यहाँ पर आ गया, 62 यहाँ पर आ गया। एज एल्गोरिथम जो कह रही है वो क्या कह रही है कि अभी ये और कंपेयर भी करेगा, जो कि इससे भी करेगा इससे भी करेगा, क्यों, क्योंकि जे इक्वल जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जा रहा है। तो 62 75 62 यहीं पर रहेगा, 72 के बीच 77 के बीच में, ठीक है, और 77 95 से कंपेयर होगा तो वो भी वैसे ही रहेगा जैसा था। तो लास्ट में वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 28 45 5 24 62 77 95। तुम अगर एक बात नोटिस करो तो अपने आप ही जो जो बड़े नंबर थे और जो छोटे छोटे नंबर हैं वो सब ऐसे लाइन से आते जा रहे हैं, तो यहाँ 3 तक हो चुका है, ठीक है। तो 3 पास में क्या हो गया तुम्हारा, 3 वैल्यू शॉर्ट हो गई हैं। अभी चौथा पास करते हैं, 28 45 5 24। तो पहले का कंपेयर करेगा, जे की वैल्यू चली गई ना वहाँ से, ठीक है। एक बात और, जो आई चल रही है ना वो तुम्हारी पासिस हैं, और जो जे चल रहा है वो तुम्हारा कंपेरिजन वो भी चल रहा है, ठीक है। 28 45 5, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये 5 होगा और यहाँ पे ये 45 होगा, 24 45 में ये 24 हो जाएगा और ये 4 जाएगा 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी इसकी, कंपेरिजन वो भी होंगे, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो कंपेरिजन यहाँ पे भी एन माइनस वन कंपेरिजन है वर्स्ट केस में, और एन माइनस वन ही स्वैप है विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन। बबल सॉर्ट में अभी तक कोई ऑप्टिमाइज नहीं किया है मैंने, जब ऑप्टिमाइजेशन होगा तब दिखेंगे, ठीक है। 28 5 24 45 28 5 24 45 62 77 95। अब आप देख लो कि पास फोर में आपका रिजल्ट आ चुका था, ठीक है, जो कि क्या कहता है कि 4 एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं, इसी का जितने पास उतने एलिमेंट शॉर्ट। 28 5 24 में जब देखा तुमने फिर दोबारा से, तो पास नंबर 5 स्टार्ट की जब स्टार्टिंग हुई, ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में तो क्या उसका रिजल्ट, तो 5 यहाँ पर आ गया, 28 यहाँ पर आ गया, और 2024 मतलब क्या ऑन कंपेयर होगा, 24 यहाँ पे आ जाएगा, 28 यहाँ पे आ जाएगा, फिर कंपेयर में ये भी होगा, ठीक है, लेकिन जैसे और दिन कह रही है यहाँ पे वैसे ही रहे क्योंकि वो ऑप्टिमाइज नहीं है अभी तक। तो 5 ये 24 ये 28 ये 45 ये 62 ये 77 ये 95 ये। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इसको यहीं पे रख दो, लेकिन
कंप्यूटर को क्या पता बिना कंपेयर किए हुए कि ये नंबर अपने आप सॉर्टेड में आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, ठीक है? या तो कुछ एल्गोरिदम लगाओ, कुछ लॉजिक लगाओ उसके बीच में, ठीक है, कि तुम चेक कर सकते हो, तो तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हें बेस्ट केस मिल सकता है, ठीक है? लेकिन जब तुमको पता ही नहीं है बिना कंपेयर किए हुए, तो कैसे कर सकते हो? या तो कुछ लॉजिक लगाओ इस चीज़ पे, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ लॉजिक लग सकता है, तो उस लॉजिक लगाओ। पास सिक्स में क्या होगा, पास सिक्स में क्या होगा तुम्हारा? पास फाइव मतलब कि पांच एलिमेंट सॉर्टेड, 1 2 3 4 5। पास सिक्स में क्या होगा तुम्हारा? पास सिक्स में ये 5 होगा और 24 होगा, तो ये दोनों सही, सॉरी, ये दोनों सही जगह पे ही थे, ठीक है? लेकिन कंपेरिजन ये भी होगा, 24 28 होगा, 28 45 होगा, 40 60 होगा, सब कुछ कंपेयर होगा, बल्कि पता है तुमको पहले से ही कि ये सॉलिड हो चुके हैं, ठीक है? मतलब क्या, नंबर ऑफ पास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सॉर्टेड, ठीक है? अगर तुम लास्ट से देखो तो पास सिक्स में क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये 5 बाई 24 है, तो इसे देखा जाए तो ये लास्ट में 5 आ गया यहाँ पर, ये 24, ये 28, 45, 62, 77, 95, ये तुम्हारी वैल्यू हो गई। लास्ट में क्या होगा कि जब आई लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन एन माइनस वन है, अगर उसमें देखो तुम, ठीक है, तो आई लेस देन एन माइनस वन मतलब क्या कि तुम्हारे टोटल 6 पास रन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 एलिमेंट थे, तो क्या होगा तुम्हारा 6 चलेंगे टोटल, 7 एलिमेंट टोटल थे, तो 7 माइनस 1, आई वाले लूप में देखो 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 से कम मतलब कि 5, 0 से स्टार्ट हुआ और 5 5 6 तक चला है, टोटल कितने हो गए तुम्हारे टोटल पूरे पास 6 पास हो गए नंबर, और वहाँ पे क्या होगा 0 से लेके 5 चलेगा, ठीक है? और लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट वाले पास में जो एलिमेंट बचा होगा वो अपने आप ही सॉलिड हो चुका होगा, ठीक है? मतलब कि कैसे था मैं लॉजिक, अगर मैं एक लॉजिक कहूँ तो तुम लोगों को, पास इक्वल टू नंबर ऑफ पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट सॉलिड हो चुका है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि एन एलिमेंट हैं तो एन माइनस वन तुमको क्या चाहिए होंगे? पास चाहिए होंगे, ठीक है? तो अगर 7 एलिमेंट थे तो तुम्हें 6 पास चाहिए थे सॉलिड करने के लिए। अब एक बार बताओ, हर एक में मैंने क्या करा, उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ? एन माइनस वन कंपेरिजन, एन माइनस वन स्वैप, वर्स्ट केस में ले लेता हूँ मैं, एन माइनस वन कंपेरिजन, एन माइनस वन स्वैप, ठीक है? तो खुद ही बताओ कि अगर मैं इसके टाइम कॉम्प से निकालूं, ठीक है, समझ में आ गया पूरा प्रोग्राम, ठीक है, इसको मिटोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम देखो कि बबल सॉर्ट के अंदर तुम्हारे अगर एन एलिमेंट थे तो एन माइनस वन पास हुए, और हर एक पास में, अगर तुम हर एक पास को लेकर आओ, तो उसमें तुम्हारे क्या हुए, वर्स्ट केस में एन माइनस वन कंपेरिजन हुए और एन माइनस वन स्वैप हुए, अगर एन माइनस वन कंपेरिजन और एन माइनस वन स्वैप हुए हैं, तो एन माइनस वन नंबर ऑफ पासिस जो कि तुम्हारा वहाँ पे लगा हुआ है, और उसमें एन माइनस वन कंपेरिजन स्वैप दोनों में मान लेता हूँ, वर्स्ट केस में दोनों बराबर ही हैं, ठीक है? तो ये मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की तरफ आ जाएगा ये, या बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। कैसे चेक करना है, तो मैंने एजिम टोटिक नोटेशन पर बना रखी है पहले से वीडियो, ठीक है, उसको चेक करो, पता हो जाएगा अपने आप, ठीक है? तो खुद बताओ उसके अंदर कोई लॉजिक है, सिंपली चेक करने के कि आसपास के लोग को सही हैं कि नहीं है। अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट मुझसे बड़ा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट अगर छोटा है तो उसको स्वैप कर दूंगा मैं, सिंपल सा ये लॉजिक था उसके अंदर, ठीक है? तो इसी कारण बबल सॉर्ट जो कि बिना ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, जो कि ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, उसके बेस्ट वर्स्ट और एवरेज केस अगर मैं कहूँ तो क्या आता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आता है, ठीक है?
तो एक तो ये हो गया। मगर एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ स्वैप तुम्हारे हुए कितने यहाँ पर, तो कितने हुए तुम्हारे, वो एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइप के तुम्हारे स्वैप हुए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एन स्क्वायर स्वैप हुए हैं, और कंपेरिजन कितने हुए हैं तुम्हारे, कंपेरिजन भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइप के हुए हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें एक ऐसी एल्गोरिथम यूज़ करनी है जिसमें आपका एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है यहाँ पर कि एलिमेंट जो है बढ़ते हुए वैल्यूज में थे, ठीक है, मतलब 10 20 ऐसे कुछ होगा, तो क्या तुम जरूरत पड़ेगी तुम्हें स्वैप करने की यहाँ पर, नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसे एल्गोरिथम बताओ कि इसमें एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और अगर वो कहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉलिड है, तो क्या करना, वहाँ पे जो कंडीशन है चेंज कर देना, उसके अकॉर्डिंग स्वैप कर देना, ठीक है। तो अगर कोई कहता है तुमसे कि एक एरे ऑलरेडी सॉलिड है, तो ऐसे एल्गोरिथम बताओ इसमें स्वैप, नंबर ऑफ स्वैप जो है वो तुम्हारे 0 हो, देन आप किसको करोगे अप्रिशिएट, बबल शॉर्ट को, ठीक है। तो अगर बबल शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आई है, तो किसी कारण आई है, वर्स्ट केस में अगर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आई हुई है, मतलब वर्स्ट मतलब क्या कि एवरेज ये सब कुछ देखा जाए तो अगर मैं कहता हूँ कि बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आई है, तो सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन के बेस पे आई हुई है उस पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे स्वैप आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसी कारण बताया मैंने कि अगर ऑलरेडी सॉलिड है तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी स्वैप करने की। तो जो चीज़ ज़्यादा मैक्सिमम होती है, जो चीज़ ज़्यादा बड़े ऑर्डर में होती है, हम लोग उसी को बनाते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट बना देते हैं। कैसे, यहाँ पे स्वैप कम होने के चांसेस हैं, लेकिन कंपेरिजन पूरे वही रहेंगे, इसी कारण ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं कि इसको हम लोगों को ऑप्टिमाइज करना था, बाइनरी सर्च को, बाइनरी सॉर्ट को, सॉरी। तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज़ करना था। तो होता क्या है कि इसको ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका ये क्या ही है, आपने देखा था जब मैं उसमें सॉर्टिंग कर रहा था, ठीक है। तो पार्ट होता क्या है, अभी हम लोग अभी हम लोग आ जाते हैं, जो हमारे पास बबल सॉर्ट था उसको हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, पहले क्या था, पहले ये एन माइनस 1 था, ठीक है। लेकिन जहां मैंने कोड इसकी जगह n-1-i लिख दिया, तो वहीं पर ये कोड मेरा हो गया ऑप्टिमाइज। कैसे बताता हूँ, देखो जब n-1 स्टार्टिंग कर रहे थे तो वहां पे कहता है कि वो लास्ट वाले एलिमेंट में कंपेरिजन हो रहा था, जबकि तुमको पता था कि लास्ट वाले एलिमेंट जो है अपने आप ही हर एक पास के बाद सॉलिड होते जा रहे हैं। पास 1 में पहला एलिमेंट अपनी जगह पहुंच जाता है, लेकिन पास 2 के लिए इट शुड बी अ लाइक कि लास्ट वाला एलिमेंट सॉलिड है, मत करो उसको कंपेयर मत करो किसी भी अपने तुम्हारे n-1 एलिमेंट बचे हुए से। पास 2 के बाद लास्ट के 2 एलिमेंट सॉलिड है, तो जितने तुम्हारे n-2 एलिमेंट बचे हुए थे उनको मतलब कि उन दोनों से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो पहले ही अपनी सही जगह पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। जो सही जगह पर पहुँच चुका है छेड़ो मत उसको, ठीक है। तो ये इसमें था, इसमें ये बताया गया था। तो नेक्स्ट होता क्या है कि अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो मैं क्या होगा कि अभी मेरा जो बबल सॉर्ट है वो ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है। अब देख खुद देख लो यहाँ पर एक बात और, पास की स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पास जैसे जैसे बढ़ते गए, ठीक है, पास पहला ख़त्म हुआ, पास दूसरा ख़त्म हुआ, तो पास पहले के एंडिंग में हुआ क्या था कि पहला एलिमेंट जो था मेरा, जो कि मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो सबसे लास्ट वाली पोजीशन में पहुंच चुका था। तो देखो ये स्टार्टिंग तो उसकी यहाँ से हुई थी उस पास की, लेकिन ख़त्म कब हुआ था, जब उसने ये जी वाला पार्ट को पूरा ख़त्म कर लिया था, उसके बाद क्या हुआ था, उसको एक ऐसा एरे मिला जिसमें लास्ट एलिमेंट पहले से जगह पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू यहाँ पर बन हो चुकी होगी, 0 थी पहले, जब 0 से होके बन हो चुकी होगी 0 टू डेट आई प्लस प्लस, जो पोस्ट इंक्रीमेंट फैक्टर है, इसने चेक किया होगा यहाँ पे, तब जब आया होगा तो यहाँ पे n-1-i,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका n माइनस टू तो चेक करोगे तुम लोग, जो तुम कंपेरिजन करोगे वो n माइनस टू तक करोगे, मतलब क्या लास्ट वाला एलिमेंट जो था वो सॉलिड हो चुका है, तुम फिर क्या करोगे टोटल एलिमेंट तुम्हारे पास क्या आते हैं कहाँ तक थे n माइनस टू बचे होते हैं, ये लास्ट वाला एलिमेंट था जो कि इसको अगर ये सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा नंबर एलिमेंट तुम्हारे एन बन जाएंगे। तो तुम कहाँ से कंपेयर करोगे, तुम यहाँ तक आओगे चेक करने के लिए, क्यों, क्योंकि ए ऑफ जे यही होगा उस टाइम पे और ये होगा ए ऑफ जे प्लस वन, ठीक है। जब दोनों कंपेयर करोगे कुछ चेंज होंगे तो करोगे, ये हो गया पास वन के अकॉर्डिंग। पास टू में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू टू हो जाएगी और ये एन माइनस टू मतलब एन माइनस थ्री तक चेक करोगे तुम लोग, मैं समझ पा रहे हो, एन था एन माइनस वन ये एन माइनस टू, तो पहले पास में क्या होगा पूरा एन माइनस वन तक चेक होगा क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू जीरो थी पहले पास में, स्टार्टिंग में कुछ मिला नहीं तुमको लेकिन जैसे ही वो पास एंड हुआ है तुम्हें क्या मिल गया, एक एलिमेंट लास्ट में मिल गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एन माइनस टू में हुआ होगा, ठीक है, तो एन माइनस वन हो गया। फिर जब तुम्हारा दूसरा दूसरा पास चला होगा तो स्टार्टिंग कुछ ही मिला होगा, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास वही था कि एक एलिमेंट तुम्हारा था लेकिन जब उसका खत्म होने वाला होगा पास, वो जब पास का वो एंडिंग आता है तो उस टाइम पे तुम्हारे पास दो एलिमेंट सॉर्टेड हो जाते हैं पास टू, मतलब नंबर ऑफ पास नंबर ऑफ एलिमेंट सॉर्टेड, ठीक है। एन माइनस टू में क्या हुआ तुम्हारा, इसने यहाँ पे चेक किया, तो इसी कारण वो लूप हमेशा एक कम चलेगा जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट बचे हुए थे, तो इसी कारण यहाँ पे मैंने आई को लगा दिया है, ठीक है। ये आपके ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट है, ठीक। तो अब अगर तुम यहाँ पे कह सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेगी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली वेरी करेगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि टोटल मतलब क्या है कि चलो मान लेते हैं n इक्वल टू क्या है तुम्हारे यहाँ पे वैल्यू है 4 मान लेते हैं, टोटल चार एलिमेंट हैं, ठीक है, तो पहला लूप तुम्हारा कितना चलेगा 0 से लेके n माइनस वन, ठीक है। तो एक बार तो वो 0 होगी वैल्यू n की i की और j की वैल्यू ये होगी i की वैल्यू, और j की वैल्यू कैसे वेरी करेगी उसके लिए, एक तो 0 होगी 1 होगी 2 होगी और j लेस देन n माइनस वन था ना पहले स्टार्टिंग में तो, ठीक है। लेकिन इस वाले पार्ट के लिए क्या होगा n माइनस वन माइनस i, मतलब क्या n माइनस वन n माइनस वन कितना हो गया तुम्हारा, हो गया 4 माइनस वन 3 और 3 माइनस 0 3, ठीक है, और 3 से कम मतलब कि 2 बार, जब ये 1 आ जाएगा तो कितनी बार चलेगा आई के लिए, जब 1 हो जाएगी तो 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, ठीक है। जब आई के लिए 2 हो जाएगी तुम्हारा तो मतलब क्या है नंबर ऑफ पासिस है तुम्हारे आई जो है और जे तुम्हारे क्या है जो कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। तो जब 2 हो जाएगी तो कितनी चलेगा 0 के लिए चलेगा, जे इक्वल टू 0 के लिए चलेगा मतलब एक बार चलेगा, ठीक है। तो खुद देख सकते हो तुम यहाँ पर जो तुम्हारे नंबर ऑफ स्वैप होने के चांसेस जो हैं, ठीक है, वो तुम्हारे कम ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंड ऑन कि एरे सॉलिड है कि नहीं है रिमेनिंग जो होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो कि कंडीशन वाली है वो तुम्हारा हमेशा रहेगा, तो मैं कहूँ कि यहाँ पे लास्ट में एक ही कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे 3 कंपैरिजन हुए, 3 क्यों हुए थे क्योंकि 4 एलिमेंट थे तो 3 कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, ठीक है, पता लगाने के लिए कौन सा सम में बड़ा है, ठीक। तो 0 1 0 1 2 3 मतलब 1 2 3, अगर ऐसे मान लो कि यहाँ पे जब n इक्वल टू 4 था तो इससे गिर गया हुआ था, तो अगर मैं कहूँ कि n इक्वल टू कोई बड़ी वैल्यू है तो कैसे होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते 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 n माइनस वन, तो निकाल सकते हो आप लोग कि इसका अगर ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, सम ऑफ n माइनस वन तक नेचुरल नंबर का सम है ये पूरा, तो क्या जाएगा n इंटू n प्लस वन बाई टू आता है जब तुम्हारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या n माइनस वन तक है तो क्या जाएगा आपका वैल्यू n माइनस वन मतलब कि ये हो गया n n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में आता है। अभी भी बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मैं किसी कंपेयर किसके बेस पे लिख रहा हूँ, आपके कंपेरिजन के बेस पे, जो कि हमेशा होता ही रहेगा, स्वैपिंग डिपेंड करेगा कि ये ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो यू शुड अप्रिशिएट बबल सॉर्ट जब आपको नंबर ऑफ कंपेरिजन कम चाहिए तो, ठीक है। तो हर एक एल्गोरिथम का अपना फ़ायदा अपना नुकसान होता है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें पहले सॉलिड होंगी लेकिन आपको बहुत सारे स्वैप करने पड़ेंगे, पता होते हुए भी दिखाई देगा आपको, तो ये समझ में आया हल्का सा कुछ, ठीक है। एक तो ये अलग ऑप्टिमाइजेशन हो गया, अगर मान लो एक ऑप्टिमाइजेशन और ट्राई करते हैं, जैसे क्या कि
ये मान लो कि अगर तुम्हारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि तुम्हारे बढ़ते हुए तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इसे मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि जब भी तुम्हारा एलिमेंट सॉलिड है अगर मान लो, और तुम उस कंडीशन पे जहाँ पे तुम्हारे कंपैरिजन हो रहे हैं उसके बाद, ठीक है, जे इक्वल टू जीरो करने के बाद अगर तुम ये चेक कर लो कि पास वन, मान लो कुछ ऐसे तुम्हारे ऐसे टाइप के थे, ठीक है, और पास टू है तुम्हारे पास, अगर पास वन में तुम्हारा ऐसे दे रखा है पूरा का पूरा, और पास टू में क्या है तुम्हारे पास कि 10, 20, 30, 40, 50 दे रखा है, तो ये कर सकते हो तुम लोग कि पास टू में चेक करो कि पास टू करने के बाद डेफिनेटली जो आपका आउटपुट आएगा वो ऐसे ही आएगा, 10, 20, 30, 40, 50। तो अगर तुम एक सिंपल सा लूप लगा दो, ठीक है, और एक फ्लैग को इंडिकेट कर दो, स्टार्टिंग कर दो फ्लैग को, फ्लैग की वैल्यू जीरो हो, वो कब वन होगी, फ्लैग मतलब कि जैसे अगर इंडिकेटर है जो कि बताएगा कि जो तुम देख रहे थे वो हो गया, अगर जीरो से वो वन कब होगी, जब तुम कह सकते हो कि एक सिंपल क्या करो, लूप लगा दो यार, वाइल लगा दो, ठीक है, कि जब तक कि तुम्हारा एरे जो है मतलब कि, या फिर सॉरी वाइल लगा सकते हो, फॉर लूप लगा दो, फॉर आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन, ठीक है, एन तक, आई प्लस प्लस से, ठीक है, और अगर तुमको चाहते हो कि लेस देन इक्वल टू एन करना है तो उसको बंद कर दो। मैं जैसे तुम एरे मानते हो वैसे हिसाब से कर लेना उसको, ठीक है, मगर एरे की स्टार्टिंग हमें जीरो से होती है तो हम लोग जीरो को ही मानते चलते हैं, ठीक है। तुम क्या करो, यहाँ पे चेक कर लो कि इफ जो भी तुम्हारा पास टू का करो एक अलग स्टोर जगह पे स्टोर कर लो, ठीक है, मतलब जब भी तुम स्वैपिंग करते हो तो क्या करो कि उसकी पोजीशन लेते हुए कहीं पे जगह पे स्टोर कर लो, फिर चेक कर लो, मान लो तुम्हारे पास ए ऑफ आई इक्वल टू अगर बी ऑफ आई है, ठीक है, जब ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाए तुम्हारी, मतलब कि जितने भी तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अगर तुम्हारे निकलते जाएँ तो क्या करो, फ्लैग इक्वल टू वन करते रहो, ठीक है, मतलब क्या फ्लैग तुम्हारा क्या रहेगा कि मतलब कंडीशन, तो समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि पास वन जो है वो 10, 20, 30, 40 है, पास टू में 10, 20, 30, 40 है, 50 है, तो क्या होगा तुम्हारा फ्लैग वो जब हो जाएगा, जब पूरे का पूरा ये जो लूप है वो जब तक ट्रू रहेगा, ठीक है, जब तक वो ट्रू रहेगा, जब तक क्या होगा तुम्हारा फ्लैग इक्वल टू वन तुम्हें कर देना है कि येस कि ये दोनों पास जो थे तुम्हारे सेम थे, जब दोनों पास सेम है तो फिर लूप में आगे बढ़ने का फायदा ही क्या है, ठीक है। तो इसी कारण मैं कहता हूँ कि अगर बेस्ट केस है, मान लो तुम्हारा एरे सॉलिड दे रखा था पहले से ही, तुमने एक पास, तुम्हारा एरे सॉलिड था पहले से ही, ठीक है, तुमने पास वन पहले रन किया और तुम्हारा आउटपुट फिर वही से आ गया जैसा था वैसे आ गया, तो अभी क्या हो गया तुम्हारे पास वन पास टू, तो अभी करोगे चेक करोगे जो मैं बताया फ्लैग वाला कंडीशन वो तुम्हें ट्रू लगाना है, एक लूप और लगा देना है, तो हो सकता है कि, ठीक है, हो सकता है एक बात और, वो कंडीशन पूरी सॉल्व करने के बाद लूप कब लगाओगे, इस वाले पार्ट के बाद लगाना, इसके अंदर मत लगा देना वरना क्या होगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब बन जाएगा, ठीक है, इसके बाद लगाना यहाँ पे, क्यों, ये यहाँ पे एन चलेगा और वो भी अगर एन चलेगा तो एन प्लस एन ऑर्डर ऑफ एन ही होता है, और ये बाहर तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन था तो इसी कारण ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया था, अगर तुम इसके अंदर कहीं पे लगा दोगे तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट एक के अंदर इस तरीके से है वो, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब बन जाएगा, लेकिन उसके पैरेलल में लगाना, पैरेलल मानने का फायदा क्या होगा तुम्हारा कि कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहेगी वर्स्ट केस में भी, लेकिन बेस्ट केस में हो सकता है अगर तुम्हारा फ्लैग ये शो कर दे कि पास वन और पास टू का रिजल्ट दोनों का सेम है, तो तुम्हारे बेस्ट केस बन सकता है ऑर्डर ऑफ एन। होप क्लियर हो गया तुम लोगों को, नहीं होगा तो ट्राई करो इम्प्लीमेंट, अगर नहीं होता है तो अपना जो कोड है उसको कमेंट करो यूट्यूब के वीडियो पे मेरे, ठीक है, देन आई विल टेल यू कि कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो उस फ्लैग को इंडिकेट करने में।